सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल नरेला विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार विश्वास कैलास सारंग के चुनाव कार्यालय का अशोका गार्डन स्थित परिहार चौक पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। कार्यालय का शुभारंभ मंत्री विश्वास सारंग ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव लड़ने व जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों की राजनीति नहीं करता, बल्कि वह एक विचार के पोषण के लिए राजनीति के क्षेत्र में काम करता है। हम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहिए तो हमें चुनाव लड़ना भी पड़ेगा, जितना भी पड़ेगा सरकार बनाने भी पड़ेगी और सरकार में आकर इस जनता की सेवा भी करनी पड़ेगी। इसी लक्ष्य को लेकर हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विश्वास सारंग की नरेला विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड जीत होना चाहिए, इसके लिए कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से काम करे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सौभाग्य का मौका है कि चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा 2008 में जब भी नरेला विधानसभा में आया तब ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था। नरेला विधानसभा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है ये मुझे नहीं पता था। मैंने कहा था एक नहीं हर एक विधायक होगा, नरेला एक विधानसभा नहीं एक परिवार होगी और विश्वास सारंग एक नेता नहीं आपका बेटा और भाई होगा। आदरणीय नीरज पचौरी जी, आदरणीय बब्लेश राजपूत जी, वो भी आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पंडित श्री विष्णु राजौरिया जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर आकर अपना अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी का स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी का भी स्वागत करें। आज नरेला विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई विश्वास सारंगी के चुनाव कार्यालय का अभी शुभारंभ हुआ है। नव दुर्गे के इस पावन पर्व पर चुनाव कार्यालय की शुरुआत यहां पर हुई है। विधानसभा का हमारा जो मुख्य कार्यालय है नरेला विधानसभा का, ये चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी अभियान में हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने नरेला विधानसभा को विकास के चार चांद लगाने का जो काम किया है, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के विकास के पुरुष भाई विश्वास सारंगी जो आम जनता के हितों के लिए गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेला विधानसभा में जो विकास के नए आयाम गढ़े हैं उसके आधार पर हम इस चुनाव में जो चुनाव कार्यालय आज इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये काम का केंद्र तो बनेगा ही, ये विजय के अभियान में ये कार्यालय सार्थक साबित होगा क्योंकि नव दुर्गे का पर्व है। मैं विश्वास जी को बधाई देता हूँ, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को जो नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ आज इस अवसर पर हमारी महापौर जी यहाँ पर हैं, जिले के हमारे अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी हैं, जिले के प्रभारी महेंद्र यादव जी हैं और पूरे नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम के साथ इस चुनावी मैदान में जुटे हैं और आज ये कार्यालय का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। ये कार्यालय चुनावी अभियान में विजय श्री हासिल में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं पुनः एक बार विश्वास जी को पूरी टीम को बधाई देता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ
ये कांग्रेसी झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले एक एक बूथ पर। नरेला विधानसभा में पिछली बार हमारी जीत 23,000 से हुई थी, 24,000 से पिछली बार हमारी जीत हुई थी। इस बार हमारा संकल्प है हर बूथ पर चुनाव जीतना और चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत के बल पर करेंगे। गरीब कल्याण की योजना और विकास हमारा आधार है, हमारी ताकत है, और एक एक बूथ पर संगठन का जो तंत्र है वो इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। के साथ लिया जाता है कि हम इस बात को लेकर फक्र महसूस करते हैं, G20 का सम्मेलन हो या पर्यावरण संरक्षण की बात हो, रूस और यूक्रेन के बीच के संबंधों की बात हो या अमेरिका को दिशा देने की बात हो, कहीं पर शांति का पाठ पढ़ाने की बात हो या योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने की का संदेश देने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जो किया है शायद पुरानी किसी सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया। हमें याद है जब मिस्टर बंटा धार का सरकार थी, मध्य प्रदेश में ना पानी था, ना बिजली थी, ना नाली थी, ना कानून व्यवस्था थी। मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश कहलाता था। करवट बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। ना खाने दूंगा, और उसके बाद इस देश में जो सरकार ने काम किया निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, एक सुशासन की व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, शहर के विकास, गांव के विकास, खेत के विकास, खलिहान के विकास, मजदूर का कल्याण, महिला का कल्याण, युवा का कल्याण, किसान का कल्याण, हर एक क्षेत्र में। भाई और साथियों, यही भारतीय जनता पार्टी है। हम एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव लड़ने लड़ाने की राजनीति नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार के पोषण के लिए राजनीति करता है। इस भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए उसे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराटे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।